अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। साथियों, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण तो अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले हम भुजा के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो भैया तीन प्रकार होता है भुजा के आधार पर, एक समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है और विषमबाहु होता है। फिर कोण के आधार पर तीन प्रकार होता है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो समबाहु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो समबाहु, समधन बाहु, बाहु मतलब बहु नहीं, ये बहु और पतों वाली बात नहीं हो रही, और बाहु का मतलब ये भुजा भी नहीं, हाथ वाली, ठीक। सम मतलब एक समान, बराबर, इक्वल, बाहु मतलब इसकी भुजाएं, साइड, साइड समझो, इंग्लिश में समझ में आएगा साइड, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड इक्वल हों। इक्वल का मतलब ये होता है, जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ पी और आर की, तो पी क्यू की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर हो और क्यू आर की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर हो, इसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको बना लो, समझ लो इतना, फिर हम आपको कुछ बातें लिखवाएंगे, उन्हें आप लिख लेना, जल्दी करिए फटाफट। देखिए, वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो रोक करके लिख लिया करिए, तुरंत वीडियो को स्क्रीन पे टच करके रोक लिया करिए। एक बात मैं आपको सचेत कर दूं, वीडियो डाउनलोड ना करना YouTube पे कतई, अगर आप डाउनलोड करोगे तो फिर आपको हमारी सारी क्लास नहीं मिल पाएंगी, माफ़ी चाहते हैं। ऑनलाइन देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में खूब शेयर करना, फिर हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे YouTube पर बिल्कुल फ्री। लेकिन अगर आप हमारी बात को अनदेखा करेंगे, अपने मन का करेंगे, तो फिर हम भी अपने मन का करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हो गया ये, चलो समबाहु त्रिभुज की अब विशेषताएं डालिए हेडिंग, आप लोग हेडिंग डालिए जल्दी से, समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं। हो गया, नंबर एक, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। नंबर दूसरा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का जो मान है वो 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण यानी कि तीनों अंतः कोणों का जो मान है वो 60-60 अंश होता है। लिख लिया, ये हो गई विशेषता खत्म, फट से उतारो जल्दी से, देर नहीं करो, 5 घंटा मत लगाया करो।